Good morning, students. Welcome again physical education class. जैसे मैंने आपको पहले वाली चैप्टर में से कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जिस चैप्टर का नाम था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में सिर्फ 5 यूनिट्स हैं. मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज, टूर्नामेंट बाय, हाउ टू मेक फिक्सर. तो उसमें मैंने काफी आपसे डिस्कस किया था, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही साथ उस चीज के बारे में बताया था, डिस्कस किया था कि हमें प्लानिंग की आवश्यकता क्यों होती है और कमिटीज की आवश्यकता क्यों होती है. तो कुछ मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आपसे YouTube के माध्यम से, और साथ ही साथ मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए तैयार किए हैं. प्लीज स्टूडेंट्स, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिएगा. कोरोना वायरस के कारण हम उतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही ये वायरस खत्म होता है तो आपको जितना भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. टूर्नामेंट बाई सीडिंग, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लानिंग के. हम फिक्सर कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपको मैं बात को बताऊंगा. लेकिन उससे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग, उसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं. प्लीज करके उनको आप अपने फेयर में कर लीजिएगा. जैसे स्कूल ओपन होता है तो मैं सबसे पहले उन्हीं चीज को चेक करूंगा जितना मैंने YouTube के माध्यम से आपको बताया है और आपको डिस्कस किया है. फिजिकल एजुकेशन स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा. तो फिर आपको दोहरा रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं कि टोटल कितने हैं फिजिकल एजुकेशन में, 11th चैप्टर है. वो कहीं ना कहीं आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे फिजिक्स से हो, बायो से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो. तो जितना मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए, उतनी कोशिश कीजिए कि आप उसको समझने के लिए. अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेरीज हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, उसमें आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो चलते हैं उन पॉइंट्स की ओर जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, लिखे हैं. Thank you.